तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरी को नई वीडियो में। मेरा नाम है मनदीप। आज जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस जो इटालियन मॉडल में आता है, जिसकी ग्राफिक्स डिजाइन जो है वो सेम टू सेम 5620 और 3630 की तरह है। इसमें आप जो आपको मिलता है एकदम शार्प बिल्कुल मडगार्ड मिलते हैं, और जो LED लाइट्स हैं वो भी आपको LED लाइट्स मिलती हैं जो 5620 में, या फिर आपको जो है 3630 स्पेशल एडिशन मिलती हैं। साइड इंडिकेटर जो हैं वो भी DRL हैं आपको, और सामने लोगो HD जो पहले मिलता था वही लोगो आपको अभी भी मिलता है। और बात करें फ्रंट लाइट की, इसमें भी LED आपको दिया गया है, जैसा कि आपको स्पेशल एडिशन में मिलता है जो टॉप मॉडल आता है। अब जिन लोगों को स्पेशल एडिशन नहीं चाहिए, उन लोगों को ये सारे फीचर्स चाहिए, इनलाइन पंप चाहिए, तो आप ये मॉडल जो है कर सकते हैं। तो उस तरीके की स्टिकरिंग इसके ऊपर दी गई है। अगर अपन इसके साइलेंसर की, तो आपको देखिए साइड में से साइलेंसर इसमें निकाल के कंपनी ने दिया है, और इसमें हीट प्रोटेक्टर का भी काम किया गया है जिससे कोई जले ना। और साइलेंसर तो एकदम गजब है, बहुत ही अच्छा है। देखिए आप सामने से, आपको बिल्कुल भी जो है इसमें अड़चन नहीं होगी देखने में। और बात करें पावर स्टीयरिंग की, तो पावर स्टीयरिंग सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, जिसके जो ट्रायरोड भी दिया गया है उस पार्ट को अलग कर दिया गया है पावर स्टीयरिंग के पार्ट से, जिसमें अगर कोई मेंटेनेंस का काम आता है तो वो नहीं आएगा। और अगर बात करें इंजन की, तो सेम एवेको का 2931 cc का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो 49.5 HP प्रोड्यूस करता है 2100 RPM पे। P2H की बात करें तो 46 HP की इसमें आपको PTO मिल जाती है। तो ऐसा कुछ है ओवरऑल इंजन का स्पेसिफिकेशन। और साइड में आपको दिया गया है जो पावर स्टीयरिंग ऑयल का कैन होता है वो भी आपको उसमें दिया गया है। देखिए इसमें कोई टर्बो बर्बो नहीं लगी हुई है, टर्बो वगैरह इसमें जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये वो ही आपने कंपनी ने दिया गया है। वाटर सेपरेटर है, नीचे जो है हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है, और डीजल का भी फिल्टर इसमें साथ में दिया गया है जो छोटा रहता है वो, और दो डीजल फिल्टर ऊपर आपको दिए गए हैं, ऐसा कुछ डीजल फिल्टर का है। 750/16 के आपको फ्रंट टायर मिलते हैं, और बैक टायर जो है आपको 16/9/28 का इसमें ऑप्शन है, यानी मिलते ही ये 16/9/28 का। 7 लीटर की इसमें आपको कैप्सूल मिल जाती है डीजल टैंक की, और ये है इसका साइलेंसर जो मैंने आपको पहले बताया था। साइलेंसर जो है सबसे ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है, और डबल स्टेप इसमें जो फीचर्स दिया गया है। इंडिकेटर देखिए आप, एकदम बहुत अच्छे इंडिकेटर लग रहे हैं इसके, जो ब्लिंक कर रहे हैं वो। और ROPS में जो कंपनी फिटेड आपको मिलेगी, पहले ऑप्शन होता था यदि आप लें, अब परमानेंट आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि इससे एक्सीडेंट जो है काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए कंपनी इसको परमानेंट कर दिया है। स्टीयरिंग की बात करें तो सेम पहले की जैसी स्टीयरिंग है जो पहले मिलती थी आपको, और छोटी स्टीयरिंग मिलती थी, लेकिन इसमें एक कमी और कमी छोड़ दी, जिसमें इसमें ड्राई एयर की एयर जो नहीं दी है अभी भी, ऑल बात का थ्री स्टेज जो है एयर प्री एयर की एयर कंपनी देती है। अगर वो भी सामने से हट जाता ना तो इतना मस्त व्यू आता 5620 की तरह, बहुत ही अच्छा। देखो भविष्य में शायद कंपनी उसको भी हटा सकती है। और यदि अपन डैशबोर्ड की बात करें तो ये आपको दिलाएगी याद 5620 की, क्योंकि 5620 में सेम डैशबोर्ड आपको मिल जाता है, ऐसा कुछ है। और स्टीयरिंग भी इसमें काफी अच्छा है, टॉप नॉच स्टीयरिंग है, एकदम छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा स्टीयर नहीं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत पड़े, क्योंकि पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग में जो व्हील होता है स्टीयरिंग का वो छोटा ही रहता है। और डैशबोर्ड आप बात करते हैं तो ये देखना आप, सेम 5620 का डैशबोर्ड है, बस उसको क्या CRDI है, तो उसमें जो है नेविगेशन या कुछ लाइट वगैरह ज्यादा दी गई है, इसमें आपको इतना नहीं दिया गया है। और जो आपको आवर का मीटर मिलता है घंटों का, वो आपको फुली डिजिटल मिलेगा। ये आपकी हैंड्रेस साइड में दी गई है, इसके वो हजार लाइट का स्विच दिया गया है। इस साइड आपको सभी स्विच एक ही में दिए गए हैं, हॉर्न हो गया ये, और लाइट का, डिपर का, पार्किंग का, सभी इसी में एक ही साथ स्विच जो है वो दे दिए कंपनी ने, इंडिकेटर के भी। और पैडल की बात करें तो सस्पेंडेड पैडल तो नहीं है इसमें, पुश टाइप पैडल ही दिए गए हैं, लेकिन सॉफ्ट इतने ज्यादा हैं कि आपको सस्पेंडेड पैडल का ही फील देंगे ये वाले पैडल भी, क्योंकि इसका क्लच जो है सॉफ्ट ही रहता है, शुरुआत से इसका क्लच सॉफ्ट रहता है। और इंडिपेंडेंट इसका PTO क्लच भी साइड में दिया गया है। और गियरों की बात करें, अगर हम पर गियरों की बात करते हैं, तो इसमें जो है प्लेटफॉर्म में जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस ऊंचा कर दिया गया है, जैसा कि 5620 का प्लेटफॉर्म है सेम उसी तरह इसी प्लेटफॉर्म को भी जो है ऊंचा कर दिया गया है। अब बात करें अपन गियर की, तो गियर इसमें जो है आपको UG गियर बॉक्स मिलता है 15+3 का, यानी 15
गियरबॉक्स का यानी 12+3 का जो है गियरबॉक्स मिलता है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो फुली कॉन्स्टेंटमेंस का आता है और प्लस एक आता है आपको पार्सली सिंक्रोमेस का। तो ये दो ऑप्शन जो है आपको इसमें मिलते हैं। इसमें और भी दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसमें हाई स्पीड ले सकते हैं या फिर इसमें आपको क्रीपर गियर का भी ऑप्शन मिल जाता है। क्रीपर गियर का किसी को यदि ऑप्शन चाहिए तो वो क्रीपर गियर का ऑप्शन भी इस ट्रैक्टर में ले सकता है। पीटीओ की बात करें इसमें तो आपको स्टैंडर्ड 540 और रिवर्स पीटीओ यानी कि ये दोनों आपको मिल जाती हैं। ये है आपका पार्किंग ब्रेक का लीवर दिया गया है, आप पैर से ब्रेक को पुश करके इस लीवर को खींच दीजिए तो उससे क्या होगा कि पार्किंग जो ब्रेक है वो लग जाएगी। नीचे डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है जिससे आप सेंसिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। 24 तरह की सेंसिंग जो है कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड कराती है जिससे ट्रैक्टर आपका जो है माइलेज अच्छा दे सके। और ये आपका पीटीओ लीवर जो मैंने पहले बताया था इसमें साथ में ही मिलता है। सीट इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट जो कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड करवाती है जैसा कि अदर ट्रैक्टर्स में है वैसे। और ये आपकी पीसी लीवर और लाल वाला है डीसी लीवर, और साथ ही में आपको इसमें लिफ्टोमेटिक बटन का भी ऑप्शन है यानी ऑप्शन मिलेगा। लिफ्टोमेटिक से भी आप ट्रैक्टर को चला सकते हैं और लीवर वगैरह को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिफ्टोमेटिक से ही आप जो है अपना ट्रैक्टर सेट कर लें। और ये है आपके प्लाउ लैंप के जो वो दी जाती प्लाउ का जो लीवर दिया गया है इससे प्लाउ पलटी वगैरह कर सकते हैं। साइड में आप जो है बैठ सकते हैं आराम से फेंडर पे, फेंडर की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और रेलिंग भी इसमें दी गई है। ऐसा कुछ है ओवरऑल व्यू। और यह सीट का मैंने बताया था आपको, जैसा 3600-2 या स्पेशल एडिशन में आता है सीट वैसे ही आपको इसमें भी सीट प्रोवाइड करा गया है। पहले सीट जो थी इसकी छोटी थी, साथ में सीट बेल्ट भी कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड करवाती है। अब आते हैं अपन पीछे, पीछे साइड जो है आपको देखना सारे, देखो पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं पीछे। ज़्यादातर वैसा ही हब रिडक्शन जो है कंपनी साथ में पहले से ही देती है। दो स्कूल बोल्ट दिए गए हैं आपको, रैम सिलेंडर दिया गया है आपको इसमें जो 2500 kg तक की लिफ्ट कैपेसिटी बनाती है। ये स्कूल बॉल भी काफ़ी बढ़िया है। पीटीओ की शाफ्ट दी गई है पीछे, और अपना चैन सिस्टम नहीं है इसमें, इसमें भी एडजस्टेबल बार दिए गए हैं साइड में टाओं की। और ये है एयर इंडिकेटर, 6 साल की टी वारंटी है, न्यू ओलैंड एग्रीकल्चर का स्टिकर लगा हुआ है इसमें। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर रेट की बात करें तो रेट इसकी जो है लगभग 8 लाख के करीब, 8.5 लाख के करीब प्राइस काफ़ी रीजनेबल है कंपनी रखे हुए है। इसके जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है वो 8.5 से 8.90 के बीच में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा ऑन रोड, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आप नज़दीकी डीलर से बात करके भी आप जो है नेगोशिएट कर सकते हैं कि कितना का प्राइस जो है मिल जाता है ट्रैक्टर में। तो भाइयों वीडियो जो है 3630 की कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं, और कोई भी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।